हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन टू द सूरज स्कूल रेवाड़ी यूट्यूब चैनल। एज सच बेटा, एज पर आवर डिस्कशन, आई विल मेक एन अनाउंसमेंट दैट इन नेक्स्ट वीडियो आई विल डिलीवर अ लेक्चर ऑन अ टॉपिक नेम एज डीमोनेटाइजेशन। यू नो व्हाट दिस इज, व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। 90% चांसेस है कि आपका जो पूरी यूनिट में से क्वेश्चन इसमें से कवर होगा। सो बेटा, I'll make sure कि मैं आपका एग्जाम ओरिएंटेड पॉइंट ऑफ व्यू से पूरा का पूरा टॉपिक कवर अप कर। The reason being is what? Otherwise, you know what? Demonetization is an in-depth discussion which is being required. So I'm making a clear-cut announcement to you that I'll make a discussion on an exam-oriented basis, not professional-oriented basis. Whenever we have a face-to-face classes, we'll have an in-depth discussion again. Sir, start karo. हाँ, लो सुनो। Now before I proceed to make an in-depth discussion, let us first understand what do you mean by demonetization. Demonetization means when a withdrawal of a certain legal tender currency, withdrawal of the status of a legal tender money to a currency in an economy is called what? Demonetization. Let me give an example. As such, in India, 8th November 2016, respected Prime Minister Modi sir will make an announcement in the evening, late evening, 8 p.m. that from tomorrow onwards, 500 and rupees 1000 notes is gonna be the illegal money. It just a piece of a paper. From tomorrow onwards, means late midnight 12 o'clock ke baad. Beta ji, yahan par na ek 1 mark ka question banta hai, previous year aaya tha. Beta, 8th November 2016 ko announcement di gayi thi. Implication kab se tha? 9th November. Aapko agar, kyunki dekho na, Modi ne kaha tha, आज रात मध्य रात्रि 12 बजे के बाद 500 एवं 1000 के नोटों से लीगल टेंडर मनी का स्टेटस उनसे विड्रॉ कर लिया जाए। इट मींस व्हाट? 12 बजे के बाद क्या नेक्स्ट डे इंप्लाई हो जाता है? सो इंप्लीकेशन 9 नवंबर में था, अनाउंसमेंट लेट इवनिंग 8 पीएम 8 नवंबर। गॉट माय पॉइंट? यस सर। सो 1 मार्क का क्वेश्चन है बेटा, basically withdrawal of a status of a legal tender money to a currency is called what? Demonetization. Sir, thoda sa aur batao. Beta, aapke exam mein na iska basically meaning, features, iske impacts. Impacts ko do part mein humne divide kiya. Merits and demerits. Aap apni book ke andar dekhenge to page number 64 ke andar aapko acche se clear cut samajh aayega. New book. क्लियर? आप उस पर रीडिंग देंगे। सर, थोड़ा सा और डेप्थ डिस्कशन करो बेटा। डीमोनेटाइजेशन के ना मैं बेनिफिट्स पे बात करता हूं। यू नो व्हाट, व्हाई प्राइम मिनिस्टर विल मेक एन अनाउंसमेंट टू अ डीमोनेटाइजेशन टू अ करेंसी लाइक 500 and 1000। यू नो व्हाट, 500 और 1000 की नोट बेटा हमारी कंट्री का 86.9% इन अ सर्कुलेशन ऑफ अ मनी कंसिडर्ड किया था, जिससे कंट्री का इतना ह्यूज विड्रॉल सर्कुलेशन ऑफ मनी हो गया था। बैंक ने उन्हें सिर्फ कुछ एक सर्टेन ऑप्शन दिए कि भैया आप इन 500 के और 1000 के नोटों को सिर्फ और सिर्फ बैंक में सबमिट कर सकते हो, वो भी 30th दिसंबर इज द लास्ट। आफ्टर दैट दैट मनी इज गोना बी अ जस्ट अ पीस ऑफ पेपर। यू ऑल बेटर नो ऑल दीज थिंग्स। इससे हुआ क्या बेटा, जितना भी कंट्री के अंदर अनअकाउंटेड कैश था, अनअकाउंटेड कैश का मतलब समझ रहे हो, द वन हु आर टैक्स इवेडर्स, जिन्होंने बेटा जी ब्लैक मनी रख रखी थी, सुनना जरा ध्यान से, जिन्होंने भी ब्लैक मनी रख रखी थी, उस ब्लैक मनी को बेटा कन्वर्ट करना था किसके अंदर? व्हाइट मनी में। क्योंकि रीजन बीइंग दैट ब्लैक मनी इज इन द होल्ड ऑफ व्हाट? अनअकाउंटेड कैश। उसको अकाउंटेड करने के लिए डीमोनेटाइजेशन करना बहुत जरूरी था।
जिसका बेनिफिट क्या हुआ कि सारी की सारी मनी हमारे फाइनेंशियल सिस्टम के अंदर आ गई। एक्सपोर्ट्स का मांग था बेटा, सर्कुलेशन सर्कुलर एक इश्यू किया था आरबीआई ने ऑन फर्स्ट आई थिंक इट्स फर्स्ट मार्च 2018 दैट द 99.3% ऑफ आवर मनी व्हिच इज बीइंग डीमोनेटाइज्ड इज इन द सर्कुलेशन टू आवर बैंक। बैंक में सबमिट हो गई थी, रेस्ट इज गोना बी द डिस्ट्रॉयड एंड ओल्ड। इससे बेनिफिट्स क्या-क्या हुए बेटा गवर्नमेंट का, आइदर इट इज गोना बी द डायरेक्ट टैक्स और इट इज गोना बी द इनडायरेक्ट टैक्स। कंट्री का डायरेक्ट टैक्सेशन भी बहुत ज्यादा इंप्रूव हुआ, इनडायरेक्ट टैक्स उस जस्ट अ 2 मंथ फेस के अंदर बेटा, 1.5 मंथ फेस के अंदर 25% इन ईच एंड राइज इन द टैक्स रेवेन्यू नियर बाय 25%, क्योंकि हर एक इंडिविजुअल ने अपना पैसा उठाया और बैंकिंग सिस्टम में डाला। अब बैंकिंग सिस्टम में बैंक ने क्या हक कहा, आप कोई भी अमाउंट सबमिट करने जाते हैं बैंक में, बैंक विल आस्क यू अ क्वेश्चन दैट सोर्स, यू हैव टू टेल सोर्स दैट वेयर यू कैन गेट दिस कैश। सोर्स कहां से बताएगा, जितने भी लोगों के पास बोरियों भर भर के पैसा था ना, उनके पास सोर्स ऑफ इनकम उन्होंने ध्यान नहीं रखा था, तभी तो ब्लैक मनी था। बेसिकली ब्लैक मनी मीन्स अ मनी इन विच दैट द टैक्स इज नॉट बीइंग पेड एंड दीज पीपल आर कंसिडर्ड टू बी द टैक्स इवेडर। टैक्स इवेडर जो टैक्स की चोरी करते थे, टैक्स पे नहीं करते थे। अब उन सबको क्या बैंक में सोर्स था, बैंक ने फिर रूल निकाला इफ यू आर नॉट एबल टू टेल अस अ सोर्स देन अ फ्लैट 40% gonna be a tax to be paid by you people. Got it? Sir, haan. So as such my dear, tax mein hame bahut jyada benefits hue. Aapki book ke andar bhi jaise ki points hain, like tax collection mein tax evader ke liye bahut jyada hi harmful tha. Followed by that my dear, hame jaise ki main aapko bataun inflation ko control karne mein bahut jyada beneficial tha. Sir thoda sa detail mein bataun. Beta let me give an example, like yeah. Year 2015, economy called Zimbabwe. You know what? Zimbabwe is facing the highest, you can say, hyper rate of an inflation of nearby 200%. Zimbabwe will find a solution to this is what? Only a demonetization. And you know what? 200% beta, bahut hota hai. India is having an inflation of rate 6-8%. USA is like 7-8%. 200% inflation. And that can be sorted out only with the help of what? Demonetization. Clear, beta? और उसके साथ साथ बेटा, country के अंदर fake currency का circulation बहुत ज़्यादा था। अब bank तो क्या immediately trace कर लेता था? Yes. Other person even मैं भी नहीं कर पाता था, कोई भी नहीं कर पाता था duplicate currency का। But the only one can trace is called bank. क्या bank ने immediately fake currency को control कर दिया? Yes. करप्शन को बेटा रिमूव कर दिया एंड इट इज गोना बी द 8th नवंबर इज गोना बी द डूम्स डे इन इंडियन हिस्ट्री। व्हिच डे इज गोना बी द डूम्स डे? फाइन, या लेट मी सम अप बेटा अगेन। कंट्री को मेरिट्स में क्या क्या आया, कंट्री के अंदर टैक्स रेवेन्यू बढ़ा, कंट्री डिजिटाइजेशन में आई, कैशलेस इकोनॉमी बनी। डीमेरिट्स क्या क्या आई, कंट्री को बहुत ज्यादा पेन फेस करना पड़ा उस शॉर्ट ड्यूरेशन के अंदर। लॉन्ग क्यू इज बीइंग जनरेटेड इन फ्रंट ऑफ अ बैंक जस्ट टू विड्रॉ द मनी, जस्ट टू पे द मनी। डिपॉजिट करो, विड्रॉ करो, लॉन्ग क्यू देयर विल बी। एंड जो एक फेस था ना डीमोनेटाइजेशन का, उस फेस के अंदर कंट्री को शॉर्ट टर्म रिसेशन आया बिकॉज people used to spend a limited amount of money. Sir, मतलब जैसा कि अब situation है, हाँ, अब बेटा COVID-19 की situation में भी लोग बहुत पैसा बचा करके रख रहे हैं, सिर्फ urgent needs को ही fulfill किया जा रहा है। क्या ये country recession में आ रही है? हाँ, अब ज़्यादा हालात बुरे हैं। But even at that point of time, a country is what? A facing a short-term recession. Sir, थोड़ा सा और बताओ ना। बेटा बताओ, आपको कोई क्वेश्चन हो तो यू कैन व्हाट्सएप मी, आई गिव यू अ डिटेल डिस्क्रिप्शन। एज सच आप अपनी बुक के अंदर देखिएगा,
बुक के अंदर हमने ऑलमोस्ट सभी पॉइंट डिस्कस आपके साथ कर दिए हैं. फाइन, पेज नंबर 85 विल हैव अ रीडिंग एंड अदरवाइज ईच एंड एवरी पॉइंट इज गोना बी डिस्कस्ड. फाइन, हाँ, वन थिंग आई मस्ट से दैट द पब्लिक सेक्टर वेल्थ इज एज सेम एज इट इज प्रीवियसली. द रीजन बीइंग इज व्हाट, दैट द आरबीआई इज गोना बी द पब्लिक सेक्टर एंड द एंटायर करेंसी इज गोना बी इन द हैंड्स ऑफ अ पब्लिक सेक्टर. इफेक्ट किस पे पड़ा था बेटा? प्राइवेट वेल्थ पे. और प्राइवेट वेल्थ पे भी मिडिल क्लास पीपल. सर सर हमें तो कोई फर्क नहीं पड़ा. बेटा आपको थोड़ी फर्क पड़ी. बेसिकली किसको पड़ा? द वन हु इज हैविंग अ ब्लैक मनी. फाइन, इसके साथ साथ बेटा जैसे कि मैं आपको बताऊं, फॉर एग्जांपल कंट्री के अंदर टेररिज्म बहुत एकदम से रिड्यूस हुआ था. द ओनली रीजन बिहाइंड इज टेररिज्म जो था फेक करेंसी थे से था कश्मीर में. एंड जिसके पास, क्योंकि फेक करेंसी कंट्री ने डेड कर दी थी, 501,000 जस्ट अ पीस ऑफ मनी, और 2000 का सॉल्यूशन नहीं निकला था, 2000 के नोट्स था, तो कैसे करप्ट करेंगे? क्योंकि जो टेररिज्म के हेड होते हैं कोई इकोनॉमिकल एक्टिविटी थोड़ी करते हैं, वो तो सारा दो नंबर का पैसा जनरेट करते हैं लाइक अ डुप्लीकेट करेंसी. बट हाउ कैन बी अ डुप्लीकेट करेंसी? सर सर छोटे नोट तो थे बेटा, छोटे छोटे 10-10, 20-20 रुपए के नोट थे. मैंने आपको बोला ना, 86.9% of a currency in circulation is gonna be demonetized. क्योंकि बड़े नोट हमने खत्म कर दिए थे. Fine, I hope clear, समझ आया आपको? चलो, still बेटा इसके साथ साथ आप लोग questions की practice करेंगे, case study की, and after that बेटा obviously I pray to an almighty God that you all will have a strength to fight against the COVID-19. So please, safe at home, stay at home. Bye bye. Miss you all.